अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलो एच के जी के स्टूडेंट्स सब लोग अपनी पैरामीटर टर्म सीरीज बुक 3 निकालो। 3rd of February 2021 एंड पेज नंबर 6। चलो बच्चों पेज नंबर 6 पे एच के जी वालों आपको क्या दिया है देखो। पेज नंबर 6 पे आपको दिया है अपोजिट्स। अपोजिट्स मतलब क्या होते हैं देखो यहाँ पे आपको दिया है, मैं आपको समझा रही हूँ। चलो बच्चों देखो यहाँ पे अपोजिट्स तो क्लीन डॉटिंग, क्लीन है हम लोग एकदम अच्छे से दिख रहे, क्लीन अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे बाल बनाएंगे, हम क्लीन है। उसके सामने उसका अपोजिट होता है डॉटिंग। इनसाइड मतलब अंदर, तो बाहर को बोलते हैं आउटसाइड, इनसाइड तो आउटसाइड। हाई मतलब ऊपर एंड लो मतलब नीचे। फुल मतलब भरा हुआ, एम्प्टी मतलब खाली, फुल एम्प्टी। शर्ट ओपन, शर्ट मतलब बंद करना, ओपन मतलब खोलना। ओल्ड यंग, ओल्ड मतलब बूढ़ा, यंग मतलब जवान। स्लो एंड फास्ट, स्लो चलना एंड फास्ट चलना। देन नेक्स्ट वन डे, उसका अपोजिट होता है नाइट। डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात। सॉफ्ट एंड हार्ड, सॉफ्ट मतलब एकदम नरम, हार्ड मतलब एकदम हार्ड, मतलब हमको लग सकता है पत्थर जैसे वो हार्ड है। इस तरह ये हमारे अपोजिट्स वर्ड्स है, ठीक है बच्चों। क्लीन डॉटी, इनसाइड आउटसाइड, हाई लो, फुल एम्प्टी, शर्ट ओपन, ओल्ड यंग, स्लो फास्ट, डे नाइट, सॉफ्ट एंड हार्ड। ये आपको अपोजिट वर्ड्स लर्न करने हैं। क्या करने हैं बच्चों? स्पेलिंग लर्न करने हैं। और मैं आपको पूछूंगी कि क्लीन का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलोगे डर्टी। इनसाइड का अपोजिट होता है आउटसाइड। हाई का अपोजिट होता है लो। फुल का अपोजिट होता है एम्प्टी। शर्ट का अपोजिट होता है ओपन। ओल्ड का अपोजिट तो यंग। स्लो का अपोजिट होता है फास्ट। डे का अपोजिट नाइट और सॉफ्ट का अपोजिट हार्ड। तो ये आपको अपोजिट वर्ड लर्न भी करने हैं स्पेलिंग के साथ, ठीक है बच्चों। समझ में आया? अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।